हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज मेंसुरेशन। दिस इज द मेंसुरेशन पार्ट वन। तो इसमें हम देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स कितने होते हैं। ट्रायंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। ट्रायंगल तीन साइड होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में चार होती हैं, पेंटागन में पाँच होती है, हेक्सागन में छः होती हैं, हेप्टागन में सात होती हैं, ऑक्टागन में आठ, नॉनगन में दस, नौ, टेकेगन में 10। और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसमें इंटीरियर एंगल्स सभी 180 से कम होते हैं। कॉनकेव में क्या होता है, कोई ना कोई एंगल जो होगा इंटीरियर एंगल वो 180 से ज़्यादा होगा। और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात जो अंदर का एंगल होगा और बाहर का एंगल होगा उसके सापेक्ष ही उसका दोनों का योग 180 होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, सम कैसे निकालते हैं, एन माइनस टू इंटू 180। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, तो ईच इंटीरियर एलिगन एंगल कैसे निकलेगा, सम अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, तो सम अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, तो डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, एन एन माइनस थ्री अवर अपॉन टू, तो इससे हम डायगोनल्स निकाल सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी रीड अबाउट ट्रायंगल्स इन मेंसुरेशन।